विकासखंड पाबो की ग्राम पंचायत ताल में ग्राम प्रधान के चयन को लेकर विवाद हो गया। ब्लॉक प्रमुख पाबो के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से प्रधान पद पर चयन को लेकर जारी हुए जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश को तत्काल निरस्त किए जाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के आकस्मिक निधन के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने मनमाने ढंग से प्रधान पद पर वार्ड सदस्य का चयन किया है। ग्रामीणों ने मामले में ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन व न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी दी है। ब्लॉक प्रमुख पावो डॉक्टर रजनी रावत के नेतृत्व में ग्राम पंचायत ताल के ग्रामीणों ने पौड़ी मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से मुलाकात की। ब्लॉक प्रमुख रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत ताल में 12 फरवरी 2020 को ग्राम प्रधान अरविंद गुसाई का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद से पंचायत में प्रधान पद रिक्त चल रहा है। लेकिन इस बीच एक वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद प्रधान पद पर निर्वाचन नहीं हुआ। बावजूद इसके जिला पंचायत राज अधिकारी ने मानकों के विपरीत एक वार्ड सदस्य को प्रधान नामित कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। लोग आज डीएम सर के पास आए थे इसके बारे में जानकारी देने के लिए कि हमारे यहाँ बिना चुनाव के जो है प्रधान को घोषित कर दिया गया है। बिना क्या डीपीआर सर के जो उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम जो है शासन के थ्रू नियुक्त कर सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरे जिला में हमारे 29 सीट जो हैं वो खाली हैं प्रधान की, तो अगर उनके पास इतनी पावर है तो बाकी के जो पद रिक्त हैं उनमें क्यों नहीं कर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा जो इसका नॉमिनेशन होता है, अगर हम सोचें कि चलो एक पद रिक्त है तो उसके लिए भी जो हमारे वार्ड मेम्बर्स होते हैं उनकी मेजोरिटी देखी जाती है कि आपका फेवर किस तरफ जा रहा है। ऐसे नहीं कि हम आए और हमने किसी को भी घोषित कर दिया। पूरे जितने भी हमारे तंत्र चल रहे हैं उनके माध्यम से सबको अवगत हो गया है कि किस तरह की नादिरशाही किस तरह का कि ये हिटरशाही चल रही है कि प्रधान के चुनाव हुए नहीं ताल में और आप अपनी पार्टी के प्रतिभा देवी नाम के महिला को नामित कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और हमने माननीय डीएम साहब से मांग की है कि इसका तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इसको निरस्त किया जाए। पौड़ी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट।